न्यूमेरिकल करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड। तो न्यूमेरिकल से करने से पहले हम एक बात ध्यान रखेंगे, हमें फार्मूला यूज करना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। इस क्वेश्चन में हमारे पास में दो ब्लॉक हैं ए और बी, और इन दोनों ब्लॉक के मास सेम है, और एक वेज विच इज फिक्स्ड कैन नॉट मूव हैविंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें दोनों प्लेन के बीच में जो दो सरफेस मिल रही है उनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक फ्रीली मूव कर रहे हैं, है ना, टॉप से रिलीज किया है इन्हें, तो हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम सिंपल वे से करेंगे, जरा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ए जो है वो वेज की सरफेस के अलोंग और बी दूसरे सरफेस के अलोंग मूव कर रहे हैं, दोनों सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हम दो एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। हमने एक एक्सिस कंसिडर करी एक्स एक्सिस, जरा ध्यान रखना थोड़ा सा एक्सिस का हम रोटेशन चेंज कर रहे हैं, तो ये हमने कंसिडर करी एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। ओके, तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर विल बी जे के, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा आई के। ओके, तो अगर हम एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करें, जी इस जी को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, इसे हम अलग से डायग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस कंसिडर करी, वाई एक्सिस कंसिडर करी, और एक वेक्टर जी वेक्टर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इस जी वेक्टर का एंगल अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस के साथ में वो 60 डिग्री बनाएगा, ये एंगल 30 होगा, ये एंगल 60, तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा जी साइन थीटा। तो अगर हम और इन एक्सेलरेशन से ही ग्रेविटी के कारण ही दोनों ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे थीटा यहाँ पर 60 है, तो एम ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी जी कॉस 60 डिग्री, और ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी जी साइन 60 डिग्री। तो ए वन वेक्टर हमें मिलेगा मास ए के लिए जी कॉस 60 डिग्री आई कैप। सिमिलरली ए टू वैक्टर की जब हम बात करेंगे तो इट विल बी जी साइन 60 डिग्री जे कैप, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के अलोंग है तो जे कैप लिख दिया। यहाँ पर हमने एक्सिस को रोटेट करके सिस्टम को एनालिसिस किया है, तो जब हम a1 a2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू m, दोनों का मास सेम है तो हम m पुट करेंगे, a1 की वैल्यू पुट करेंगे g cos 60 डिग्री i के, प्लस m2 का मास भी m ही है, और a2 की वैल्यू है g sin 60 डिग्री j के डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, दोनों मास इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम एम कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं और जी भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो एम जी हमने कॉमन लिया, कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा जे आई के एज इट इज, प्लस साइन 60 डिग्री √3/2 जे के एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमें मिला 2m, एम से एम हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा जी बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन 2 एलसीएम होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमें मिलेगा आई के प्लस √3 जे के।
अगर इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जी बाई फोर, यहाँ पर कोफिशियंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कोफिशियंट √3 है तो √3 का स्क्वायर. ओके, तो इट विल बी जी बाई फोर 1 + 3 √. तो हमें यहाँ पे मिलेगा, आगे देखते हैं, यहाँ मिलेगा हमें जी बाई फोर इंटू टू, तो आंसर विल बी जी बाई टू. तो हमें यहाँ पे पता चला कि इस जब दो ब्लॉक 90 डिग्री पर फ्रीली फॉल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जी बाई टू होगा. थैंक यू.